अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज आपको इस वीडियो के अंदर D2 की मुकम्मल साइट विज़िट भी करवाएंगे और इसके डील के रेट्स वगैरह भी बताएंगे। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है, आपको इंशाल्लाह काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये इसकी एंट्रेंस एरिया है जहाँ से 80 फिट रोड बनाएंगे और इसके लेफ़्ट राइट साइड पर इन्होंने 8 मल्ला की कटिंग दी हुई है। तो ये अभी फ़िलहाल इसका स्टार्ट एरिया है और यहाँ से अब हम आगे जा के लेफ़्ट होंगे और लेफ़्ट साइड पे ये दोनों अब राइट लेफ़्ट साइड पे सारा 8 मल्ला के प्लॉट्स हैं जो कि सोसाइटी ने 52 लाख की डील दी थी। और ये आपको सीवरेज का एरिया भी नज़र आ रहा है, सीवरेज डाल दी है और बारिश होने की वजह से आज इतवार है तो इन्होंने काम रुक अपना छुट्टी है डेवलपमेंट की। तो ये राइट लेफ़्ट साइड पर सारी 8 मल्ला की कटिंग है और ये अब आपको फ़िलहाल स्टार्ट एरिया दिखा रहे हैं। तो यहाँ से हम आगे तक जाएँगे और ये जो राइट साइड पर आपको जगह नज़र आ रही है ये पार्क की है और यहाँ पे कह लें कि सारी 8 मल्ला की प्लॉटिंग दी हुई है। कुछ इस ब्लॉक के अंदर 5 मल्ला की भी कटिंग है लेकिन वो थोड़े प्लॉट हैं, ज़्यादा प्लॉट 8 मल्ला के हैं। और ये आपको जितना भी अभी वीडियो में नज़र आ रही है सारी 8 मल्ला की कटिंग है। तो यहाँ पे सोसाइटी ने कह लें कि 8 मल्ला के प्लॉट 52 लाख रुपये के सेल आउट किए थे जिसमें 26 लाख रुपये एडवांस था और 26 लाख रुपये की पेमेंट आफ्टर 3 मंथ के बाद थी और ओपन फॉर्म थे। तो ये सारी आप देख सकते हैं कि इन्होंने रोड वगैरह के कच्चे बेड वगैरह बना दिए हैं, रास्ते बना दिए हैं और जो आपको डीप नज़र जगह आ रही है वो प्लॉट्स की जगह है। और ये आने वाले वक्त में कह लें कि इनको सारों को मज़ीद डेवलप कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसके फुटपाथ वगैरह, स्ट्रीट लाइटें, रोड वगैरह, कारपेट, ये सारा कुछ कर देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जितना उन्होंने नक्शा बनाया था उसके मुताबिक सारे रोड शोड उन्होंने निशानदेही कर दी हुई है। तो यह कह लें कि इसकी एंड साइड पर आ गए, यहाँ पर आपको ये रुक के सारा दिखाते हैं कि ये सारा 200-300 वाली नंबरिंग वाली लाइंस हैं जो कि D2 की हैं। और ये कह लें कि आज काम बंद है क्योंकि आज इतवार है। तो ये सारी कह लें कि उसका एंड वाला एरिया था, ये कह लें कि 60 फुट रोड थी जो कि 80 फुट रोड से निकलती है और ये अंदर कह लें कि 40 फुट रोड्स आ जाएंगे। और ये कह लें कि एक साइड इसका व्यू करवाने के बाद अब आपको थोड़ी देर बाद अगली दूसरी साइड से भी कह लें कि इसका व्यू दिखाते हैं। तो ये सारी 60 फुट रोड है जो कह लें कि इन्होंने शो की हुई है D2 के अंदर और ये 80 फिट रोड से यहाँ से स्ट्रेट आएगी। तो ये कह लें कि सारा D2 का एरिया है और ये जैसे जैसे इनके पास जगह आ रही है ये उसको आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद एक्सटेंड करेंगे। तो ये कह लें कि अब इसकी दूसरी साइड पे आ गए हैं तो यहाँ से भी ये 60 फिट रोड वही है जो कह लें कि आगे तक जा रही है और इसके कह लें कि लेफ़्ट साइड पर पार्क आ जाएगा, राइट साइड पर कह लें कि सारे रेजिडेंशल प्लॉट्स है। और यहाँ से आपको कह लें कि मेन एरिया दिखाते हैं जहाँ से हम आए थे। तो ये चार दीवारी और जो गेट नज़र आ रहा है इसके साथ सरकारी रास्ता है और ये D1 से होता हुआ D2 में आ जाता है और ये सारा 80 फिट रोड है और 80 फिट रोड आगे जाके 60 फिट रोड के साथ कनेक्ट हो जाता है और ये उसे आगे मज़ीद 40 फिट रोड्स आ जाएंगे। तो ये सारा ओवरऑल इसका व्यू है। आप कह लें कि इन्होंने जो भी प्लॉट सेल आउट किए हुए थे या कुछ लोगों को प्लॉट्स कंपनी ने एडजस्टमेंट में भी दिए हुए हैं तो कह लें कि उनको वेट करना चाहिए, यहाँ पे कह लें कि डेवलपमेंट का काम हो रहा है तो वेट करेंगे तो वहाँ पे इनको फ़ायदा भी होगा और प्लॉट आने वाले दिनों में पोजेशन के लिए तैयार भी हो जाएंगे और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको इन्वेस्टमेंट में भी फ़ायदा होगा। तो अगर मज़ीद किसी ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हों तो वो कर सकते हैं, अभी भी इनके रेट कम हैं, जैसे जैसे ये डिवेलपमेंट होती जाएगी इनके रेट इनक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये कह लें कि आप देख सकते हैं कि 60 फिट रोड हो या 80 फिट रोड हो या 40 फिट रोड हो, इन्होंने सारी रोड्स बना दी हुई हैं। अब उसके साथ मज़ीद उसके ऊपर काम करते जाएंगे, रोड बनाने के साथ सीवरेज भी डाल दिया हुआ है। अब मज़ीद कह लें कि उसको मज़ीद आगे डेवलपमेंट अपनी कर देंगे। तो ये कह लें कि सारा D2 का एरिया था जो आपको दिखाया जा रहा है इस वीडियो में। मज़ीद इसकी कोई इन्फॉर्मेशन चाह रहे हों या कोई भी मालूमात बैरिया ऑर्चर्ड के रिलेटेड हो तो आप मुझसे रबता कर सकते हैं और आपके लिए मज़ीद जो कह लें कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी बैरिया ऑर्चर्ड के रिलेटेड वो मैं आपको वीडियो बना के शेयर करता रहूँगा। तो ये इसका एंड वाला एरिया है 80 फिट रोड का और यहाँ से जहाँ से हम आए थे। तो ये कह लें कि सीवरेज की वजह से मिट्टी वगैरह आपको नज़र आ रही है।